हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमेट चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज तक ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या अपडेट है, 19 दिसंबर तक क्या अपडेट है, वो सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन तक साझा करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि नए साल पे क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को कुछ तोहफा मिलने वाला है, वह तोहफा क्या है और उससे ईपीएस 95 पेंशनरों को क्या फायदा होगा, पहला नंबर एक। दूसरा नंबर, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, सांसद, उसके साथ साथ में मैं बात करूंगा एनएससी की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या किया जा रहा है। साथ ही साथ में मैं इस बात पे भी चर्चा करूंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कब तक पेंशन मिल जाएगी, उनकी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, क्या आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे ओमेटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात करता हूं, उन प्यारे भाई बंधु जो कमेंट में अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, यानी कि वल्गर कमेंट कर देते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ भी आपत्तिजनक बातें करनी है या कहनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आके आप खूब, मतलब जितना आपका मन करे उतना आप जो तो बोल लो, आप जो तो, ये पब्लिक में जो तो वीडियो जाता है, पब्लिक पूरा जो तो आपका कमेंट पड़ता है। अच्छा नहीं, आपके कमेंट करने से पेंशन नहीं बढ़ जाएगी, आपके वल्गर बात करने से कमेंट नहीं बढ़ जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे द्वारा पेंशन नहीं बढ़ाई जाएगी, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेंशन से संबंधित जानकारी देता हूँ, आज का जो अपडेट रहता है वो अपडेट देता हूँ, ना कि मैं पेंशन बढ़ाने वाला हूँ। हाँ, मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचती है, सिर्फ इतना ही मेरा प्रयास है और मैं ये प्रयास को बखूबी अच्छे से निभा रहा हूँ। आप लोगों का प्रयास होना चाहिए इसे आगे बढ़ाने में, चैनल को शेयर करें, इसको जो है तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं, ये आप लोग कर सकते हैं। हाँ जो तो, लेकिन आप लोग जो तो वल्गर कमेंट करने लगते हैं, खैर छोड़िए, ये सब बातें बाद में करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे प्रमुख बात ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एक पत्र जो तो किसको, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री जी को लिखा गया, जिसमें पहले ही नंबर पे, प्रथम कॉलम पे ही, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे ही, फर्स्ट कॉलम में ही वित्त मंत्री जी को जो पत्र लिखा गया है उसमें सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशनरों को जो तो पेंशन, उन्हें उनका हक देने के लिए बात लिखी गई है। यानी कि देखिए, अभी तक एनएससी की टीम के द्वारा संघर्ष किया जा रहा था, लेकिन अब जो तो वहां पे बीएमएस के द्वारा भी पत्र लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है जो संशोधन होने वाला है 2022 में, जो बजट बनेगा उसी के अनुसार जो तो प्रमुख रूप से इन बातों पे ध्यान दें, जो तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वित्त मंत्री जी और माननीय सीतारमण जी, कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको आए दिन किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ में वहां पे बताया है कि उनकी जो पेंशन है उसे बढ़ाई जाए, और मैंने सुबह ही एक वीडियो बना दिया है, ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है उसका लोगो, आप देख सकते हैं, उस वीडियो को आप क्लिक करके जो है तो पूरी वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, पूरे वीडियो को देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यही है कि बीएमएस के द्वारा जो है तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को पत्र लिखा गया, और माननीय डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी हैं उनको पत्र भेजा गया, और पत्र में पहले ही महोदय मैडम करके ये सब पूरा अच्छे से विधिवत लिखा गया, आप उसे देख सकते हैं। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं आगे। एनएससी की तरफ से तीन प्रमुख जो तो 26, 27, 28 करके डेट है, उन डेटों पे जो तो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, आप इसे भी देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, आप इसे देख लें, ये प्रमुख बैठकें हैं। तो अगर जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वहाँ उपस्थित हो सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं तो जाएं, अन्यथा मैं तो यहाँ अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा ही। अब जो मैं बात करने वाला हूँ ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एनएससी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनसे मिल रहे हैं,
और जितने भी कमेटी के सदस्यगण हैं जहां जहां भी है उन तक जो है तो पहुंच रहे हैं। माननीय अशोक राव जी स्वयं जा रहे हैं और कुछ एनएसी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ में आगे की रणनीति की चर्चा हो रही है कि कब जो तो सही समय रहेगा जब एक महाधिवेशन हो और उस महाधिवेशन में जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनको पेंशन जो तो मिलने लगे। अब मैं बता दूं लोकसभा राज्यसभा यहाँ भी EPS 95 पेंशनर्स के मुद्दे को उछाला गया, लेकिन वहां भी विचाराधीन है, वहां भी विचार हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी खबर से निकल के सामने नहीं आया है जहां से इस बात को कहा जाए EPS 95 पेंशनों को पेंशन मिल सकती है। अब महत्वपूर्ण बात यह, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अभी जो उनका EPS 95 पेंशनों का मुद्दा है उस पर भी विचार हो रहा है, अभी कोई आगामी डेट नहीं आई है। हाँ, सीलिंग का एक मैटर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीलिंग का मैटर है, अगर मान लीजिए सीलिंग हट जाती है तो जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। कैसे होगी वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज अभी आपको जो पेंशन मिल रहा है वो आपका जो सैलरी है 15,000 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन जब सीलिंग हट जाएगी 15,000 का जो दीवार है वो जब गिर जाएगा तब आपको वही सैलरी मिलने लगेगी 25,000 30,000 जो आपकी सैलरी होगी नेट उस पर मिलने लगेगी। तो 20,000 अगर मान लीजिए कर दिया जाता है तो आपको सैलरी में इजाफा होगा, आपकी 20,000 रुपये सैलरी हो जाएगी, साथ ही साथ 20,000 के हिसाब से आपको पेंशन मिलने लगेगा। यानी कि तब आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा EPFO में आपका जो पेंशन में जाएगा वो बढ़ के जाएगा, जब बढ़ के जाएगा तो आपको पेंशन भी बढ़ के मिलेगी। यही महत्वपूर्ण बात है। और हो सकता है कि नए साल पे यह सीलिंग हटने का तोहफा आपको मिल जाए, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर उसे भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो बस यहीं तक था, महत्वपूर्ण खबर यहीं तक थी। और जितने भी चैनल्स हैं और सारे यूट्यूब पे वहां पे भी आपने देखा होगा जो तो तरह तरह के जो तो आते रहते हैं कि हाई कोर्ट में ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया, राज्यसभा में इतना कर दिया, इतने तारीख से इतना हो जाएगा। ये तो यार गुमराह करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे जो है तो वो है। हम ये जानते हैं कि हमें जो तो 10 ही लोग देखते हैं, चाहे जितने लोग देखें 1,000 2,000 लोग जितने भी देखेंगे उन तक तो सही जानकारी दे, बाकी जो तो एक ही जानकारी जो सामने निकल के आ रही उसी जानकारी को आप दीजिए ना, अपने व्यूज पाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या जानकारी भर देते हैं, वो सब चीजें अच्छा नहीं। ठीक है, तो मैं आप उनसे मैं क्या बोलूं, जितने भी हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं आप लोग जो तो पेशेंस बना के रखें, अभी तक की आज तक की जो भी अपडेट है वो मैं आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त EPS 95 पेंशनों के पक्ष में कोई बात नहीं है अभी तक, नए साल पे सिर्फ और सिर्फ आपको यही तोहफा मिल सकता है कि आपको जो तो मनाया जाए। हाँ, BMS की तरफ से जो पत्र लिखा गया है वित्त मंत्री जी को वो महत्वपूर्ण है, वो जानकारी अब तक भी मैं पहुंचा दिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, लेकिन हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, मैं अच्छा लगता हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जो तो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।